अब्दुल खालिक एक एशिया का बहुत ही मानववाद लीडर था मिल्खा सिंह से पहले। इसका नाम सारे एशिया के अंदर छाया हुआ था क्योंकि एशिया के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीते हुए थे एंड एशिया के अंदर फास्टेस्ट मैन जो था ये अब्दुल खालिक था। 100 मीटर अब्दुल खालिक जीत गया और 400 मीटर मिल्खा सिंह जीत गया। अब 200 मीटर जो जीतना था उसी से ही जो है वो बेस्ट एथलीट वही माना जाता है जो कि जिसके पास 2-3 गोल्ड मेडल हों। तो 200 मीटर के अंदर मेरा और अब्दुल खालिक का मुकाबला था, तो मैं 400 मीटर जीतने के बाद मेरे मसल काफ़ी थके हुए थे, तो 200 मीटर की जब रेस शुरू हुई तो फिनिश के ऊपर, फिनिश से करीबन कोई 1-1.5 गज पहले मेरी राइट टांग का मसल जो था वो पुल हो गया, बैक मसल, और वो टांग जो थी दूसरी लेफ्ट वाली टांग में लगी और मेरा बैलेंस जो था वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया मैं। तो जब फोटो फिनिश होती है फोटो लाइन के ऊपर, तो अब्दुल खालिक ऐसे फिनिश लाइन पे खड़ा हुआ है और मैं ऐसे गिर रहा हूँ, तो गिरने से जो था मेरा कंधा थोड़ा सा वो आगे आ गया। तो वो करीबन कोई 1-1.5 घंटा रिज़ल्ट जो था वो डिले हो गया क्योंकि जितने भी जज बैठे थे वहाँ पे वो जज नहीं कर पाए कि कौन आदमी इनमें से फर्स्ट आया है। तो वो जब 1-1.5 घंटे के बाद रिज़ल्ट आया तो उन्होंने अनाउंस किया भी इंडिया का मिल्खा सिंह फर्स्ट आया, बिकॉज़ मैंने आपको बता दिया कि मेरा मसल पुल हो गया था, तो उससे मैं थोड़ा सा मेरा वज़न आगे झुक गया टेक पे, तो उससे मैं फर्स्ट आ गया। और ये पाकिस्तान वाले ये समझते थे कि मिल्खा सिंह का यहाँ फ्लूक लगा है, बाई चांस वो फर्स्ट आ गया वहाँ पे, अदरवाइज़ अब्दुल खालिक जो है उससे अच्छा एथलीट माना जाता है, अच्छा है। इस वजह से मुझे उन्होंने पाकिस्तान से इनविटेशन दिया 1960 के अंदर लाहौर दौड़ने के लिए। तो जब इनविटेशन आया तो मुझे इन्होंने कहा पाकिस्तान जाने के लिए, तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। वो इनकार इसलिए किया बिकॉज जो 47 में हुआ था नाइट को, वो जब सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे माँ बाप, किस तरह से मेरे बहन भाई किस तरह से मारे गए और किस तरह से उनको मारा गया, तो वो सीन देखने के बाद मैं नहीं चाहता था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं पाकिस्तान जाऊं। मगर पंडित जी ने कहा नहीं, आप भूल जाओ सब बात को, जो हुआ इंडिया में हुआ और पाकिस्तान में भी हुआ, इस तरह से गाड़ियाँ कटी हुई जा रही थीं, उस तरह से गाड़ियाँ कटी हुई आ रही थीं। और वो मानने के बाद फिर मैंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। स्टेडियम गए तो जब दौड़ें शुरू हुईं तो वो वही बात हुई कि 100 मीटर अब्दुल खालिक जीत गया और 400 मीटर मैं जीत गया लाहौर के अंदर। 200 मीटर के अंदर मेरा और अब्दुल खालिक का मुकाबला था, तो स्टेडियम के अंदर 60,000 आदमी बैठा था, ऐसे लगता था कि यहाँ पे स्टेडियम के अंदर चिड़ी भी नहीं, इतनी खामोशी साई हुई थी। मैंने स्टार्टिंग ब्लैंक पे बैठा और जब ऑन योर मार्क हुआ, सेट फेयर हुआ, रेस शुरू हो गई, तो अब्दुल खालिक जो था मेरे से करीबन कोई पहले 100 मीटर के अंदर 2-3 गज आगे था क्योंकि वो 100 मीटर दौड़ता था, फास्ट रनर था। तो जब लास्ट वाला 100 मीटर आया तो उस 100 मीटर के अंदर मैंने उसको पकड़ना शुरू किया। अब सारा स्टेडियम गूंज उठा और कह रहे हैं अब्दुल खालिक कम ऑन, अब्दुल खालिक कम ऑन, अब्दुल खालिक, तो सारा शोर चल रहा था ये। तो इतने में हम जनरल अयूब के सामने से जब 50 मीटर रहेगी रेस, तो उनके वीआईपी गैलरी के सामने से गुजरे तो जनरल अयूब भी खड़ा होकर कहता कम ऑन अब्दुल खालिक, तो वो अब्दुल खालिक पीछे हटता चला गया और मैं करीबन कोई 2-3, 3-4 गज से फर्स्ट आ गया। तो फिर ये डिमांड थी कि भी मिल्खा सिंह को कहा जाए कि स्टेडियम का वो एक चक्कर लगाए। तो वो जब मैंने स्टेडियम का एक चक्कर लाया, 60,000 आदमी बैठा था जिसमें 10,000 औरत बुरके वाली भी बैठी थी, तो जैसे मैं हाथ हिलाता हुआ जा रहा था तो वो लोग कहते हैं, ये प्रेस वालों ने दिया कि भी जो बुरके वाली औरत बैठी थी उन्होंने भी सब ने बुरका उतार के देखा कि ये सिंह है जिसने हमारे अब्दुल खालिक को यहाँ पे हराया है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं वापस आया सबको ऐसे ऐसे करते हुए, तो फिर जनरल अयूब जब आए विक्ट्री स्टैंड के ऊपर मेडल डालने के लिए, तो उन्होंने पुकारा इंडिया का मिल्खा सिंह फर्स्ट। मैं फर्स्ट स्टैंड पे खड़ा हो गया विक्ट्री स्टैंड के ऊपर। फिर उन्होंने बुलाया मक्खन सिंह इंडिया का सेकंड। फिर उन्होंने बुलाया पाकिस्तान का अब्दुल खालिक थर्ड। तो तीनों हम विक्ट्री स्टैंड पे खड़े थे। तो वो गए कुछ लोग जो ऑफिशियल थे वहाँ पे, वो जनरल अयूब को लाने के लिए विक्ट्री स्टैंड के लिए। तो जब वो चल के वहाँ से वीआईपी गैलरी में से आए, तो उन्होंने आते ही पंजाबी यूज़ की मेरे से कि मिल्खा सिंह जी तुसी लाहौर दे विच आके दौड़े नहीं, तुसी लाहौर दे विच आके उड़े हो। उनका कहने का मतलब ये था कि आप लाहौर में आके दौड़े नहीं, लाहौर में आके आप उड़े हो, और पाकिस्तान जो है आपको फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। तो आज अगर मिल्खा सिंह का सारी दुनिया में नाम मशहूर है, जहाँ भी मैं जाऊँ, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कहीं भी अगर लोग मुझे फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, तो इसका क्रेडिट जो है पाकिस्तान को जाता है, इसका क्रेडिट जो है जनरल अयूब को जाता है, जिन्होंने मुझे ये खिताब दिया।